हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था इवान यूवानूह के लिए केक लाता है जैसे उसने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में केक खाएंगे तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं वो लोग मुँह के अपार्टमेंट आ जाते हैं और मुँह केक को मांगते हुए बोलता है कि मैं इसे होल्ड कर लेता हूँ तुम जा करो रेस्ट करो तो युवान बोलता है कि इट्स ओके एक्चुअली तुम बताओ यदि तुम केक पकड़े रहोगे तो डोर कैसे ओपन करोगे इसलिए मैं इसे होल्ड करके कर रखता हूँ चलो तो मुँह उसके लिए मान जाता है और वो लोग कार से उतर जाते हैं और अपने रूम के पास आ जाते हैं रूम ओपन करते हैं तो युवान बोलता है कि ठीक है ये लोग केक अच्छा है तो मैं चल रहा हूँ तो उसको जाते हुए देख के ना युवान को मुँह उसको रोकता है कि सॉन्ग यू तो यूवान पलट जाता है और बोलता है कि क्या कुछ हुआ है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या तो मुँह बहुत हेजिटेज करता रहता है और फिर वो केक दिखा के बोलता है कि क्या तुम तो इसे नहीं खाना चाहोगे तो ईवान बहुत पोलाइटली में बोलता है कि इट्स ओके okay, वैसे भी ये मैं तुम्हारे लेके आया हूँ क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया क्या और वो चला जाता है दूसरे साइड वो रूम के अंदर आ जाता है और केक को टेबल पे रख के वो विंडो से बाहर देखता है तो उसकी कार वहीं रहती है और बर्फ़ की बारिश अभी भी हो ही रही है तो उसकी जो कार है ना उसको ऑलमोस्ट बर्फ़ ने कवर कर लिया है तो उस वो अपने मन में सोचता है कि क्या सौंगिया अंशु अभी तक गया नहीं है उसकी कार पे भी बाहर खड़ी क्यों है और फिर वो आके लेट जाता है बैड में बट उसको ना नींद नहीं आती रहती है क्योंकि वो ना सोचता रहता है सौंग अंशु के बारे में फिर वो डायरेक्टली सोचता है कि यार अभी तक गया क्यों नहीं है अब वो नीचे चला जाता है अब वो देखता है कि सौंगंशु वहीं उसके गेट के पास खड़ा हुआ है और युवान ना सिगरेट पीता रहता है तो जैसे ही पीछे से मुँह उसको आवाज़ लगाता है कि सोमियांशु तो युवान बहुत घबरा जाता है और तुरंत ही उस सिगरेट को नीचे से पैसे से कुचलता रहता है ताकि वो पूछ जाए और वो देखता है कि युवान देखता है कि मुँह उसके जस्ट सामने है तो मुँह बहुत क्यूरस हो, क्यूरियस हो जाता है पूछता है कि तुम कर क्या रहते हैं बताओ तो युवान बात घुमाने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि एज अ गिल्टी फील करता रहता है बोलता है कि एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहता था इसलिए मैं रुक गया है भाई फिर क्या क्या हमारा मुंह मम्मी बन गया और क्या? तुम पहले से बीमार हो और स्मोक में कर रहे हो क्यों तुम्हें अंदर आने की जरूरत ही नहीं थी ना तो तुम यहाँ क्यों खड़े थे और तुम केक भी खाना नहीं चाहते थे मेरे से हम्म बोलो तो युवान बहुत पोलाइटली वे में बोलता है कि एक्चुअली मैं श्योर नहीं था कि मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ तो मुँह बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं अब चलो तुम मेरे साथ हाँ <laughs> और युवान बहुत ही खुश हो जाता है और उसको पीछा करता है और वो लो लोग उसके रूम में आ जाते हैं तो मुँह बोलता है कि हाँ अंदर आ जाओ और यूवान डोर को क्लोज़ करता है तभी उसके यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है बिजली कट जाती है तो वो दोनों ऐसे ही साइलेंटली खड़े हो जाते हैं यूवान अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन लाइट ऑन करता है बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और फ्लैश लाइट नहीं है तो मुँह बोलता है कि नहीं एक्चुअली नहीं है फिर वो जाके कवर्ड से मतलब ड्रॉ से अपना जो फ़ोन रहता है उसको ढूंढता रहता है बोलता है कि हाँ एक्चुअली मेरे पास फ़ोन है ना मैं उसको निकाल लेता हूँ और फिर जैसे ही वो ड्रॉ से फ़ोन को देखता रहता है तो यून लाइट को लेके आता है फ़ोन और बोलता है कि क्या तुम अब फ़ोन को यूज़ नहीं करते हो तो मुँह बोलता है कि हाँ एक्चुअली अब मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता और उसको देखता और घूमने लग जाता है और यून क्या है बस क्या वो भी उसको देखता रहता है दूसरे साइड मुँह विंडो से बाहर देखता है कि बर्फ़ की बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है और अब तो युवान की कार ऑलमोस्ट ही ढक गई है और मुँह विंडो को क्लोज़ करता है और युवान उसके बहुत नज़दीक आके कहता है क्या क्या तुम तो मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे एक्चुअली ऐसा नहीं है वो लाइट्स आ नहीं रही है ना इसलिए तो मुँह पूछता है क्या तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है आई मीन I mean, उधर भी तो लाइट ऑफ हो गया ना तो यूवान बहुत ऑनेस्टली होकर बोलता है कि एक्चुअली मेरे घर में ना पावर जनरेटर है तो इसलिए मेरे यहाँ लाइट्स ऑफ नहीं होती है और क्योंकि मैं घर पे ज़्यादा रहता नहीं हूँ इसलिए इसमें बहुत सारी बैटरियाँ हैं और मुँह अपने फ़ोन को देखता है कि उसमें ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट चार्जिंग है यानी कि ख़त्म होने वाला है और वो सोचते हुए बोलता है कि हाँ ये तो सही है कि यहाँ पता नहीं लाइट्स कब आएगी क्योंकि ऐसी हर बार ही होता है और लाइट चले जाती है बहुत लेट तक आती है और मेरे फ़ोन में भी बैटरी तीस परसेंट है और मुझे भी नहीं पता कि ये कितने देर तक चल पाइए और फिर वो देखता है कि यूआन है ना वो केक को पैक करने लगता है मतलब उसके डिब्बे को वापस से अरेंज करता रहता है फ़ोल्ड करता रहता है बट उसे होता नहीं रहता है हर वो बोलता है कि यार ये एकदम तो मुश्किल काम है और वो उसको इमेजिन करता रहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं मॉन्सटर्स से खेल रहा हूँ ये तो बॉक्स बंद हो ही नहीं रहा है और मैं उसको देखते हुए बहुत हंसता रहता है और बोलता है कि शोंग यू अंशू ये तुम क्या कर रहे हो तो यूवान बोलता है कि एक्चुअली ये केक को मैं पैक कर रहा हूँ तभी वो जो रहते हैं ना बॉक्स वो फट जाता है आधा और उसको देख के तो उसकी हंसी और नहीं रुकती और बहुत हंसता रहता है और बोलता है कि छोड़ो इसे मैं कर देता हूँ तुमसे नहीं हो पाएगा और यूवान बोलता है कि हाँ ठीक है तुम इसे पैक करो और इससे पहले कि तुम्हारा फ़ोन का जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाए और फिर वो केक को अरेंज कर लेता है और दूसरे साइड दीवान उसको देख के खुश होता है बट उसको देखते रहते हैं कि उसका रिप्लाई क्या आएगा क्योंकि उसने पूछा है ना क्या तुम तो मेरे साथ घर चलोगे तो फिर मुँह ना मन में सोचता रहता है कि मैं इसको ना रिफ्यूज़ कर देता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा और मैं बोल दूँगा कि थोड़ी देर में पावर आ जाएगी और इससे साम युवान शो गिव अप कर देगा और वो यहाँ से चला जाएगा या फिर वो फिर से नीचे जा कर रुकेगा और स्मोकिंग करते रहेगा नहीं बिल्कुल नहीं ऐसे करके वो युवान के जो साइड से निकल जाता है और युवान उसको देखता रहता है कि अरे क्या हुआ फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ठीक है तो क्या हमारा लिटिल पप्पी बोलता है कि हाँ ज़रूर मैं करूँगा तुम्हारी हेल्प और फिर जैसे ही मुँह अपने कपड़े लेके कबर्ट से निकालता रहता है तो हर जगह पे युवान उसको फ्लैश लाइट दिखाता रहता है इवन जब मुँह कपड़े भी फोल्ड करता रहता है तो युवान ना उसको बहुत स्माइल करके फ्लैश को उसके साइड दिखाता रहता है लाइट को तो मुँह चिड़के बोलता है कि यार तुम तो मेरे फेस पर क्यों लाइट दिखा रहे हो तो क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो जा रहा था ना उसके ब्यूटी में तो बोलता है कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो तो उससे क्या मुँह थोड़ा सा ब्लश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मेरी पैकिंग हो चुकी है तो चले तभी उसी टाइम मुँह का फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है और फिर मुँह उस पिक कॉल को पिकअप कर लेता है ऑब्वियसली उसके जो प्रोफेसर के कॉल रहते हैं और मुँह बोलता है हेलो फिर उसके प्रोफेसर बोलते हैं कि फैक्जमू क्या तुमने जो रिपोर्ट्स में थी उसको फिलअप कर दिया तो मुझे जल्दी से जल्दी इसको भेज दो ठीक है तो मुँह बोलता है कि प्रोफेसर मुझे माफ़ कीजिए एक्चुअली क्या है ना मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं जिसे मैं अभी तक फ़िलअप नहीं कर पाया हूँ एक्चुअली मैं पूछना चाहता था आपसे बट कुछ टाइम नहीं मिल पाया तो मैं आपसे नहीं पूछ पाया कि आप मेरी मदद करेंगे मैं अभी उसको फिल कर देता हूँ फिर वो फ़िलअप करने बैठ जाता है और उसके लैपटॉप में भी ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ही चार्जिंग बचे जो कि बहुत कम है अब फ़ोन को रख देता है और फिलअप करने लग जाता है जो उसके असाइमेंट है उसको दूसरे से डिवान कहता है मुँह से कि मुँह तुम क्या फ़िल कर रहे हो और फिर वो फिल करने लग जाता है मुँह और बोलता है कि एक्चुअली ये जो कापी है ना फॉर्म की जो लैब की असाइनमेंट लास्ट है उसका मैं फिल करने जा रहा हूँ प्रोफेसर को सबमिट करने जा रहा हूँ तुम तो कहीं ना कहीं युवान बहुत यहाँ पर ना अपसेट हो जा रहा था पूछता है क्या तो तुम किस महीने वापस जा रहे हो तो हूँ बोलता है मे में जा रहा हो मैं दूसरे साइड हमें साफ दिखता रहता है कि युवान बहुत वैसे ये छोड़ के चला जाएगा बोलता है क्या तुम इसके बाद कभी वापस नहीं आओगे तो ये टाइप करते हुए बोलता है कि हाँ इसकी ज़रूरत ही क्या है मैं वापस आके करूँगा ही क्या मतलब मुझे यहाँ क्यों आना है हर हमारा युवान एकदम इस्तीफ़ खड़ा हो जाता है उसके दिमाग में कुछ चलता नहीं रहता है और फिर वो बोलने लगता है कि फेंक ज मूँ यदि वो एंड्रयू रहता तो क्या तुम उसके लिए यहाँ रुकते तो ये बात सुन के मुँह बहुत गुस्सा हो जाता है और लैपटॉप को बंद करते बोलता है कि तुम ऐसा क्वेश्चन करने वाले होते कौन हो ठीक है मैं अपना काम फिनिश कर लिया तो चलें और क्या युवान उसका बैग वग पकड़ता है और निकलता रहता है और उसका वेट करता रहता है और वो मन में ही कहता है क्या तुम तो मेरे साथ घर चलोगे तो यहाँ पर ना मेरे को लंजा वाली फीलिंग आ गई हुई थी कि लंजा जैसे बोलता है वहीं इनको कि क्या तुम तो मेरे साथ घर चलोगे एकदम तो फील आ रहा था मुझे और मुँह के के बॉक्स को पकड़ हुए चलते रहते हैं तभी युवान कहता है पीछे से मुँह तो हमारा मुँह टर्न ऑन होता है बोलता है कि क्या हुआ और धीरे धीरे हीवान उसके बहुत नज़दीक जाके उसको सडनली किस करने लग जाता है और वो उस किस को रिफ्यूज़ नहीं करता है मुँह और उसको वो ही बैक किस करने लग जाता है और वो मन में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये फीलिंग क्या है आई I मीन mean, मैं इस पर्सन से क्यों दूर नहीं जा रहा हूँ जबकि ये तो एंड्रीम नहीं है और ये सॉन्ग यॉन्शू हैं पर मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा फील हो रहा है और तभी क्या लाइट आ जाती है और मुंह की आँखें खुल जाती है और वो उसे दूर हट जाता है और हमारा ईमान थोड़ा सा फ्रस्टेटेड हो जाता है और वो मुंह को देखने लग जाता है और सोचता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई है अब तो क्या मेरे साथ घर नहीं जाएगा और वो वहीं पर भूत बन के खड़ा रहता है और उसका वेट करता रहता है कि क्या अब मुँह क्या बोलेगा और मुँह बोलता है तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें चलना नहीं है क्या ऐसे करके तो फिर क्या दोनों चलने लग जाते हैं और हमारा युवान बहुत खुश हो जाता है यहाँ पास तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करी आई होप यू लाइक दिस वीडियो तो यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय बाय